हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं TGT का पेपर जो 2002 में आया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2002 में जो पेपर आया था वो भी 85 क्वेश्चन ही रहता था 2002 में भी। तो लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। किसमें संकलित है? कृष्ण गीतावली में। भक्तन को कहा सीकरी से काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये कुंभन दास का है। भक्तन को कहा सीकरी से काम, आवत जाते पनहिया। पनहिया मतलब चप्पल होता है। पनहिया टूट गई तो कुंभन दास जी कहते हैं कि भक्तों को भला सीकरी से क्या काम, हमारा आते जाते जो है चप्पल टूट गया। तो ये कुंभन दास का है। भक्त काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्युग कहा? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो स्वर्युग सबसे पहले किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। आगे देखिए, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो राम का मुकुट भीग रहा है किसके ललित निबंध संग्रह है? तो अगर मुकुट भीग रहा है तो कहाँ जाना चाहिए? तो निवास यानी कि घर में, विद्या निवास मिश्र। तो इसका हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी। तो रजिया बेगम कैसी है? किशोरी है, किशोरी लाल गोस्वामी। चतुरी चमार, चतुरी चमार कैसा है? निराला है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक निराला। कुट्टी चाटन से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो कुट्टी चाटन अज्ञेय हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। तो यहाँ पे सा सा की जो है आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। मातृक विषम संयुक्त छंद है, तो मातृक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? कुंडलिया। कुंडलिया में दोहा और रोहला होता है। पारुष का विलोम शब्द होगा तो पारुष का होगा कोमल। जंगम, जंगम का होगा स्थावर। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो जलधि। जिसमें दा 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 मेघ घा दा 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 जिसमें आएगा उसमें वो बादल का पर्यायवाची होगा, और धा आ गया है वो समुद्र का हो जाएगा। जैसे जलद है, मेघ है, वारिद है, बादल है, तो ये सब जो है बादल का है। जलद है, जहाँ धा आ जाएगा वो समुद्र का हो जाएगा। आगे देखते हैं, अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो अन्न को जो पचाने वाली अग्नि है वो जठराग्नि है, और समुद्र में जो अग्नि लगती है वो बड़ाग्नि। समुद्र में लगने वाली अग्नि बड़ाग्नि, और जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। कालिदास हजारा की रचना है कालिदास। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टराज के लेखक हैं रांगे राघो। घुमक्कड़ सास यात्रावृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ सास राहुल सांकृत्यायन। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। तो प्रवाह वह है तो वियोगी वह, इसमें भी वियोगी हरि वाह दोनों में आया है। सफ़ेद कौवा मंजुल भगत। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो मौलिक उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु। सर्वज्ञ
सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं? तो सरकटीलास गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। लालटेन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। बलदेव खट्टिक किसकी कविता है? लीलाधर जगूरी की। संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल। समाध लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। किसान के रचनाकार हैं तो किसान के रचनाकार हैं गुप्त, मिथिली शरण गुप्त। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो सरस्वती के महावीर प्रसाद त्रिवेदी। शेखर जोशी तो जोशी कोसी के घटवार। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं तो प्रयाग रामागमन पा और यहाँ पे प्रेम। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, मधुमालती मंझन। सहजान के प्रवर्तक हैं सरहपा, सहजान के प्रवर्तक हैं सरहपा। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं तो विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण का, शिव साधना हरिकृष्ण का नाटक है। जनमेजे का नागयज्ञ किसका है? जयशंकर प्रसाद का। गोदान उपन्यास है तो वो कैसा है? यथार्थवादी है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद जो है किस प्रकार के जो है किस प्रकार के लेखक हैं या पूछ लिया जाए तो वो हैं आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ है उनके उपन्यास और कहानी में वैसे वैसे परिवर्तन नज़र आता गया है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे तो इसका क्या हो जाएगा? भामा। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे भामा। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे तो कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया? आनंद वर्धन ने। जननी तू जननी भई विध सन कछ न बसाए, तो यहाँ जननी तू जननी यहाँ पे एक ही शब्द आ जाए, जननी तू जननी, तो यहाँ जननी जननी दो बार आया है ना, तो जब वही एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वहाँ लाटानुप्रास होता है, तो यहाँ लाटानुप्रास है। धनंजय, धनंजय में समास है तो बाहुबली समास है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है वो कौन सी है? तो इसमें तीसरा नंबर, वापे छोटी की मात्रा लगा है तो वापे छोटी की मात्रा नहीं रहेगा। ये कवित्री कैसे लिखा जाएगा? जैसे दो नंबर पे है का वा या पे छोटी की मात्रा रहेगा। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। बोध अघात सहे किर कैसे खलके वचन संत सहज से, तो जहाँ जैसे शब्द आ जाए वहाँ उदाहरण अलंकार है। बैराग संदीपनी के रचनाकार हैं तो बैराग संदीपनी तुलसीदास। उर्मिला किसका है प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का। अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता अंचल। रूपाभ के संपादक है तो रूपाभ पंत। सागर मुद्रा के लेखक हैं तो सागर मुद्रा के लेखक कौन है? अज्ञेय। सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय हैं।
प्रत्यक्ष में संधि है, तो प्रत्यक्ष जहाँ पे आधा शब्द आ जाता है वहाँ ज़्यादातर यण संधि ही रहता है। नीलो उत्पलम में कौन सा समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात है वो किसने किया है, तो वो गारसादी दासी ने किया। उदयभान चरित्र के लेखक हैं, तो चाहे उदयभान कहो या फिर रानी केतकी की कहानी कहो एक ही है, तो उसके जो है लेखक कौन है, इंशाअल्लाह खां हैं। आधा गांव उपन्यास है, तो आधा गांव उपन्यास किसका है, वो राही मासूम रजा का है। माटी की मूर्तें की विधा है, तो माटी की मूर्तें किस विधा की है, संस्मरण है। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या ठीक है, तो रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, रा चा छोटी की माता या पे रहेगा उत्ता। घड़ी में मासा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। कलकौतिक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं मल्लुक दास। पद्मावत की विधा है, पद्मावत प्रबंध काव्य है। भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है नंददास ने। सुजान सागर के लेखक कौन है घनानंद। विनय पत्रिका की भाषा है। बिहारी सतसई पर फिरगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं आनंदीलाल शर्मा। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप है, तो ये जो है जीवन वृत्त पर आधारित है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उत्तंड मार्तंड 1826। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना, तो रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा था, तो पंडित देवीदत्त शुक्ल को सौंपा था। सुदामा चरित्र के लेखक हैं नंददास। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र का विषय है संपत्ति शास्त्र। तो दोस्तों ये जो है 85 क्वेश्चन ही रहता था पहले, और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पे अगर आए हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे। और जो आपको पूछना है, क्या इसमें अच्छा करना है, क्या आप लोगों को और जानना है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के बाय बाय।